चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जेर सदारत फुल कोर्ट इजलास, कोर्ट इजलास में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस मौजूद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत का जायजा। इजलास से कबल चीफ जस्टिस की अटॉर्नी जनरल से तफसीली मुलाकात। पाकिस्तान के मुखालिफीन के मजमूम अजाइम को नाकाम बनाया है। दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। सिक्योरिटी की सूरत हाल पर आला सतह के इजलास का एलानिया जारी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तानी शहरियों समेत चीनी बाशिंदों की हिफाजत यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दुश्मनों ने एक बार फिर रियासत और आवाम की लचक और हौसले को कम समझा है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारा कहते हैं कि बशाम वाकई की तहकीकात के लिए JIT बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ की मुलाकात। ज़रा के मुताबिक मुल्की सियासी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के हवाले से भी बात हुई। इस्लामाबाद में साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। FIA प्रोसिक्यूटर ने समाअत पीर तक मुलतवी करने की सजा कर दी। लतीफ खोसा समेत दीगर वकला को कल 11 बजे बानी PTI से मुलाकात की इजाजत। पंजाब में 7 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। हुकूमती इत्तेहाद के हिमायत याफ्ता मोहसिन नकवी सेनेटर बन गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हामिद खान और अलामा राजा नासिर अब्बास बिला मुकाबला कामयाब। नून लीग के परवेज रशीद, नासिर भट्ट और अहद चीमा भी मुंतखब। पेशावर हाईकोर्ट में मखसूस नशस्तों पर हलफ लेने की दरख्वास्त मंजूर। पेशावर हाईकोर्ट का मुख्तसर फैसले में स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को हलफ लेने का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के खत पर वकला तंजीमों का रद्द अमल। इस्लामाबाद, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध बार काउंसिल्स ने बैरूनी मुदाखलत को अदालती निजाम पर जर्ब लगाने के मुतारफ करार दे दिया। जजेस के खत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। मामले की इंक्वायरी के लिए कमीशन तश्कील देने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ का जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच तश्कील देने का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कल से समाज शुरू की जाए। अदलिया में मुदाखलत की बजावत, कहा खत पर कार्रवाई ना हुई तो अदलिया से लोगों का एतमाद उठ जाएगा। उमर अयूब ने जजेस के खत को चार्जशीट करार दे दिया। मामले को कौमी असेंबली में उठाने का ऐलान। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जेना हाउस जलाओ घेराव केस। PTI रहनुमा अहमद रशीद भट्टी समेत 31 मुलजमान की जमानत मंजूर। आयशा अली भट्टा और आलिया शहजाद शामिल। अदालत का मुलजमान को 2-2 लाख रुपए के जमानती मशरके जमा कराने का हुक्म। दीगर मुलजमान की जमानतों पर समाअत 29 मार्च तक मुलतवी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वक्त की इस्लामाबाद में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के हवाले से बातचीत। वक्त को सिक्योरिटी की सूरत हाल साझा किया गया। इससे कबल वक्त ने कराची, लाहौर, रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम का दौरा किया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा साल पाकिस्तान में शेड्यूल है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में संगमेल उबूर। पहली बार 100 इंडेक्स 66,569 पॉइंट्स के रिकॉर्ड सतह पर बंद। कारोबार के अख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 641 पॉइंट्स का इजाफा। और आज ने उसके खसूसी सहार इफ्तार ट्रांसमिशन बारान रहमत। माया खान, सिदरा इकबाल और शहरिया रासिम के साथ अवाम में मकबूल दीनी मौजूद पर सहर हासिल गुफ्तगू। कवालों ने समा बांध दिया, नाथ खानों ने गुल्हा अकीदत पेश किया।